नमस्कार मित्रों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग वाराणसी के NH-19 से सटे गांव यानी रवना में है और यहां पर 200 करोड़ के लागत से कचरे से कोयला बनाने का प्लांट जो है, जहां पर 600 मीट्रिक टन डेली कचरे का निस्तारण किया जाएगा। इसे 200 मीट्रिक टन कोयले में कन्वर्ट किया जाएगा और आज इसी का लोकार्पण है। वैसे वीडियो बनाने अंदर तो अलाउ रहता नहीं है, ना ही बाहर से अलाउ कर रहे हैं। कैसे कैसे मैं आपके लिए वीडियो बना के आया हूँ, चलिए चलते आपको बैक रेस पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो को थोड़ी बनाने में मेहनत की हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, यही है कचरा से कोयला बनाने वाली प्लांट। डिज़ाइन मैन्युफैक्चर इंस्टॉल बाई मैकबे मकावर करके कोई है कंपनी। ग्रीन कोल प्रोजेक्ट वाराणसी हरित कोयला परियोजना NTPC। देखिए कितने बड़े बनाए यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर 600 टन कचरे से 200 टन कोयला तैयार किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट NTPC और नगर निगम वाराणसी सहयोग से तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तरफ से नियुक्त की गई कार्रवाई संस्था मेकावर BK इस प्लांट का सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही है। और इसी का आज लोकार्पण है। दोस्तों, इसके संचालन के बाद यानी सफल संचालन के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी इसे शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल ये देश का इकलौता कचरे से कोयला बनाने का प्लांट है और आने वाले समय में कोयले की चिंता को दूर करेगा। साथ ही हरित कोयले के रूप में पॉल्यूशन फ्री कोयले का भी प्रोडक्शन करके नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। और 2022-23 में दो अलग अलग ट्रायल पूरा करने के बाद यह संयंत्र पूरी तरीके से कोयला निर्माण के लिए तैयार हो चुका है। और बनारस से निकलने वाले 600 टन कचरा प्रतिदिन इसके निस्तारण का काम यहाँ किया जाएगा, जो कि पहले निस्तारण से थोड़ा समस्या हुआ करता था। अब पूरे देश में भी यही समस्या है और इसके बाद अब देश के अन्य जगहों में भी ऐसा प्लांट लगाया जाएगा। और यहाँ प्लांट प्रतिदिन बनारस के कचरे को डंपिंग की बड़ी समस्या का निस्तारण होने वाला है। और दोस्तों, ये प्लांट काम कैसे कर रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होगा, बनारस के शहर से अलग अलग हिस्सों से कचरा इकट्ठा करके जो गाड़ियाँ आती है वहाँ एक पीट में कचरे को डालने के बाद वहाँ से चली जाती है और उसके बाद ग्रैब क्रेन के मदद से इसको हॉपर तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद कचरे को प्री हीट करके इसके अंदर मॉइस्चर जो है उसको ख़त्म किया जाता है और किसी भी तरह का जो कचरा हो चाहिए, जो भी इनको चाहे गीला सूखा, आगे प्रक्रिया में उसे लाया जाता है और बैलिस्टिक सेपरेटर के रूप में जानते हैं जिसे, उससे कचरे से मिट्टी, लोहा, तांबा, अन्य ठोस पदार्थ को अलग किए जाते हैं और कपड़ा, प्लास्टिक, टायर, अन्य तरह कचरे को आगे बढ़ाते जाते हैं और प्रोडक्ट जो जलनशील होता है उसे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के बाद अगला प्रोसेस होता है। और इसमें छोटे छोटे टुकड़े इनको डिवाइड करके कचरे के को पाउडर फॉर्म बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम रिफ्यूज्ड डिवाइड फ्यूल यानी RDF के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इसे बाहर 250 से 300 डिग्री पर हीट किया जाता है। इसके बाद छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है और कचरा धीरे धीरे काले रंग के राख में तब्दील हो जाता है और लगभग 2 घंटे के प्रक्रिया के बाद यह पूरी तरीके से पाउडर फॉर्म में हो जाता है। इसके बाद ठंडा करके ब्रिकेटिंग यानी पाउडर के रूप में छोटी छोटी ब्रिक फॉर्मेट में तब्दील किया जाता है और कोयले को फिर से प्रोसेस गुजार के फिर पूरी तरीके से सुखाया जाता है ताकि जलने में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। राजस्थान में इसे तैयार करके बनारस में पूरी तरीके इंस्टॉल किया गया है और देश का पहला यह प्रोजेक्ट है जहां कचरे से निस्तारण के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और NTPC इसका इस्तेमाल अपने अलग अलग प्लांटों में करेगी, बाद में इसका इस्तेमाल कमर्शियल रूप में भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोयलों को हरित कोयले के रूप में जाना जा रहा है जो पूरी तरीके से 100% पॉल्यूशन फ्री होगा। दोस्तों, ये जो प्लांट है पूरा 25 एकड़ में बनाया गया है और 5 एकड़ में कोयला निर्माण के दौरान निकले अवशेष को निस्तारित करने के लिए वैज्ञानिक विधि से व्यवस्था की जा रही है। और ये दोस्तों 200 करोड़ की लागत से का ये प्रोजेक्ट है। अब इसलिए मैं इसी जगह खड़ा वीडियो बना रहा हूँ बार बार, क्योंकि आगे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था और बात भी करने गया था अंदर तो कोई रिप्लाई नहीं था किसी का, आज उद्घाटन है तब भी यही होता है, लेकिन मीडिया और बिना मीडिया के कोई काम नहीं होता है। फिर भी अपने सब एंड से पूरा प्रयास कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, क्या किया जाएगा।
ये कुछ ही समय में रोड तैयार हुआ है अभी। चलिए कोई बात नहीं, चैलेंजेस कई सारे आते हैं, बस आप लोग का कमेंट आ रहा था कि ये वीडियो दिखाइए, इसलिए मैं बनाने आया हूँ। बाकी सामने जो ग्रीन रंग का देख रहे हैं, ये रमना एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ से जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ तो कितना होता है जूम। ग्रीन कोल प्रोजेक्ट वाराणसी, एनटीपीसी हरित कोयला परियोजना वाराणसी, मैकवेबर बीके प्राइवेट लिमिटेड। ये जो नया रास्ता बनाया जा ट्रक के को कुछ मतलब कोड़ा लाइन ले जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, देख रहे हैं। पहले रास्ता इतना बढ़िया नहीं था, पहले ऐसा नॉर्मल सा रास्ता था, जो देख रहे हैं ये वाला।